और अब आपको बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी सिलेंडर इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बन गया। देखते हैं इस बारे में अफजाल खान की एक खसूसी रिपोर्ट। कराची की पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में मौजूद बम जो कि सीएनजी सिलेंडर के नाम से जाने जाते हैं, सैकड़ों इंसानी जाने निगल चुके हैं जबकि इंतजामी इदारे अपने तौर पर काम कर रहे हैं। इदारे बुलंदोबांग दावे तो करते नजर आते हैं मगर अमली तौर पर मुकम्मल तरीके से सीएनजी सिलेंडर माफिया के आगे बेबस नजर आते हैं। स्कूल वैन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये माफिया हर जगह छाया हुआ नजर आता है। स्कूल वैन बच्चों की जानों खतरा, आज दिन जो हादसा होते रहते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग हो जिस पर अगर कोई है मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया कोई डिफाइन किया जाए उसके बाद अगर अलाउ किया जाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये नुकसान दिए काफी। ये नहीं होना चाहिए गाड़ी में, और खासतौर पे ओपन जो है और ये नाकिस जो है पुराने से सीएनजी पाइप वगैरह निकले हैं बाहर रखे हुए सीट के पास रखे हुए, ये बहुत खतरनाक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इस हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी आरटीडी जुल्फकार जोकी ने न्यूज प्लस से बात करते हुए कहा, हमने आगाही मुहिम के साथ साथ मुकर्रर वक्त पर सिलेंडर्स की चेकिंग को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए हैं जबकि हमने नाकद सिलेंडर लगी गाड़ियों को जब्त किया और चालान करके इनसे जुर्माने भी वसूल किए हैं। हम लोग तो वक्फे वक्फे से कार्रवाई करते रहते हैं, लॉन्ग रूट्स के भी हमारे जो आरटीएज हैं हमारे शहर में भी करती हैं, हम उनके जुर्माने भी करते हैं, उनके सिलेंडर भी हम लोग उन्हें नहीं निकाले कि ये नाकस जो है सिलेंडर नहीं लगने चाहिए। लेकिन ये वो फिर बाद में वही ट्रांसपोर्ट माफिया है, वो फिर वही बाद में हरकत करके ऐसे लगा लेते हैं जो गैर कानूनी है। जब हमने ट्रैफिक पुलिस से बात की तो इनका कहना था कि हमारे जो अफसरान हैं हमने उनकी टीम बना दी है कि आप ये सीएनजी के बारे में कार्रवाई करो, हम अंदर आ गए वो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ चेकिंग स्टेशंस की भी कड़ी निगरानी की जरूरत है ताकि इंसानी जानों को महफूज किया जा सके। सीएनजी सिलेंडर्स की बसों वैगनों और स्कूल वैन में तनसीब इखलाकन और कानूनन जुर्म है। आरटीडी डिपार्टमेंट और पुलिस मिलकर इस माफिया को काबू करने में बज़ाहिर बेबस।